Hello everyone and welcome to Daily Current Affairs for 8th of May. The first important topic for the day that is World Press Freedom Index. तो कहीं ना कहीं अभी आपने देखा होगा ये recent में नया index आया है और यहाँ पे आप map देख सकते हो किस तरीके से यहाँ पे दुनिया भर के countries को दिखाया गया है World Press Freedom Index में और ये भारत और बाकी जो रशिया वगैरह है चाइना वगैरह है even गल्फ countries जो है या सेंट्रल एशियन countries कुछ हद तक तो इनका जो रैंक है वो काफी ज्यादा खराब है और इसी चीज को यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे. ग्लोबल मीडिया वॉच डॉग जो है जो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के नाम से है ठीक है तो उन्होंने रिलीज किया है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 का. और यहाँ पे आप देखोगे तो सबसे पहला सवाल तो यही बनता है कि ये वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को कौन पब्लिश करता है. तो ये रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स निकालता है. पर्पस क्या है कि स्टेट ऑफ जर्नलिज्म को वो एक्सेस कर सके 180 कंट्रीज में दुनिया भर के और 5 कैटेगरीज में दिया जाता है. ये ध्यान रखिएगा, पॉलिटिकल, लेजिस्लेटिव, इकोनॉमिक, सोशियो कल्चरल एंड सेफ्टी ऑफ जर्नलिस्ट. तो ये 5 हैं. इस वक्त भारत का रैंक काफी गिरा हुआ है तो सवाल आ सकता है, स्पेशली यूपीएससी प्रीलिम्स में वो ज्यादातर पूछ लेते हैं कि कौन से कैटेगरीज, मतलब कितने कैटेगरीज हैं या इनमें से कौन कौन सा कैटेगरी है या नहीं है. तो दोनों ही तरह से सवाल रहते हैं. तो पॉलिटिकल, ठीक है, लेजिस्लेटिव, इकोनॉमिक, सोशियो कल्चरल और सेफ्टी ऑफ जर्नलिस्ट्स भी एक पॉइंट है जो कि एक कंसर्न है क्योंकि इंडिया पाकिस्तान ऐसा कई बार देखने को मिला, स्पेशली पाकिस्तान में कई सारे जर्नलिस्ट्स जो है वो मारे गए हैं तो इस वजह से आप ध्यान रखिएगा. नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं दैट इज टॉप पोजिशंस पे. तो नॉर्वे, आयरलैंड और डेनमार्क जो है वो आपको टॉप 3 पोजिशंस में देखने को मिलेगा जबकि वियतनाम, चाइना और नॉर्थ कोरिया जो है वो बॉटम 3 में है. तो नॉर्वे टॉप पे है और चाइना, नॉर्थ कोरिया ये बॉटम, सेकंड और बॉटम पे हैं. और इंडिया का रैंक 161 जो कि 180 कंट्रीज में से है और प्रेस फ्रीडम जो है भारत में वो प्रॉब्लमेटिक से वेरी बैड में वो डाल दिए हैं, मतलब पहले ये चिंता का विषय था अब ये काफी खराब हो चुका है. इसके साथ साथ आप देखोगे तो 2022 में भारत का रैंक 11 स्थान ऊंचा था और 2023 में 11 स्थान हम नीचे गिर चुके हैं. 2022 में इंडिया 150 पे था और अब हम 161 यानी कि इसमें हम और ज्यादा खराब हो चुके हैं. नेक्स्ट श्रीलंका जो है वो सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट दिखाया है इस इंडेक्स में और वो 146 पे था. रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स एक इंटरनेशनल एनजीओ है जिसका काम है मीडिया फ्रीडम को प्रमोट करना. इसका हेडक्वार्टर्स याद रखिएगा पेरिस, लव सिटी बेसिकली, और इसके अलावा कंसल्टेटिव स्टेटस है यूएन के साथ में. हालांकि आप देखोगे तो यहाँ पे अफगानिस्तान और पाकिस्तान के साथ में भारत का रैंक जो है वो काफी खराब है, मतलब उनके तुलना में भी भारत नीचे गिर चुका है. जबकि आप देखोगे तो अफगानिस्तान में जो महिला है, मतलब वहां पे जो मीडिया पर्सन्स में जो महिलाएं हैं उनको तो बैन कर दिया गया है, वो तो यहां तक कि आप वो नहीं कर सकती हैं. तो खैर भारत में तो ऐसा नहीं, हम तो जेंडर न्यूट्रल रहते हैं लेकिन स्टिल हमेशा एक स्कोप है इंप्रूवमेंट का, हम ये मानते हैं. लेकिन ये रैंक कहीं ना कहीं आप मतलब पूरी तरीके से ये पार्शियलिटी ही है एक प्रकार का. और ये प्रेस फ्रीडम जो है वो एबिलिटी है जर्नलिस्ट्स का कि बेसिकली वो सेलेक्ट कर सके प्रोसीजर और डिसेमिनेट कर सके ये सारी बातें. नेक्स्ट है मई तेई कम्युनिटी ऑलरेडी, इसके ऊपर हमने एक वीडियो बनाया है कि मणिपुर जो है वहाँ पे मैसिव लेवल पे वायलेंस देखने को मिल रहा है. तो ये इसी कम्युनिटी के वजह से रिसेंटली टेंशन्स इरप्टेड इन सेवरल पार्ट्स ऑफ मणिपुर और सॉलिडारिटी मार्च के नाम पे बेसिकली ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन जो है वो कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट कर रहे थे जो कि मेईतेई कम्युनिटी को एसटी स्टेटस में डालने की बात हुई है. तो अभी कंफर्म नहीं है, ये सिर्फ जुडिशरी ने कहा था लेकिन प्रोटेस्ट जारी है. मेईतेई जो है वो डोमिनेंट पॉपुलेशन है मणिपुर का, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट. मणिपुर को जेवल ऑफ इंडिया भी कहते हैं, रत्न. इसके अलावा मेईतेई भाषा वो बोलते हैं जो कि वन ऑफ द 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस में भी है, मतलब जो 22 आठवां स्केड्यूल में जो है उसमें से एक भाषा ये भी है. डिस्ट्रीब्यूशन आप देखोगे तो ये सेटल्ड है इम्फाल वैली रीजन में. इसके साथ साथ मणिपुर जो है वहाँ पे आपको मतलब आसाम, त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय ये सब में भी देखने को आपको मिल जाएंगे, मिजोरम. इसके अलावा मेईतेई जो है वो नेबरिंग कंट्रीज म्यांमार और बांग्लादेश में भी कुछ हद तक मिल जाएंगे. ये आपको देखने को मिलेगा अलग अलग क्लैंस में है तो ये मतलब इंटरमैरी नहीं कर सकते हैं. साथ साथ में मेजॉरिटी जो है वो हिंदुइज्म को फॉलो करते हैं, कुछ हद तक मुस्लिम्स को भी फॉलो करते हैं और राइस जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा इनके इकोनॉमी में. साथ साथ फेस्टिवल्स में लाई हरोबा, सवाल आता है एसएससी लेवल पे कि लाई हरोबा फेस्टिवल कौन से राज्य में है, मणिपुर है ध्यान रखिएगा. चेराओबा, याओसंग ये सारे हैं मणिपुर. मार्शल आर्ट थंगटा, यूपीएससी प्रीलिम्स में एक बार सवाल आ चुका है तो थंगटा जो है वो मणिपुर का मार्शल आर्ट है, अब 100 एग्जाम्स में भी आ सकता है. इसके साथ साथ आप देखोगे तो बेसिकली नेक्स्ट है चन्नापटना टॉयज. तो मैन्युफैक्चरर्स के जो खिलौने बनाने वाले हैं चन्नापटना कर्नाटका के, तो उनको गवर्नमेंट के डिसीजन को वो अपलोड कर रहे हैं कि वो प्रोहिबिट करते हैं इंपोर्ट ऑफ टॉयज चाइना से और फिर गवर्नमेंट का एक्शन जो है वो कंट्रीब्यूट करेगा उनके प्रॉफिटेबिलिटी पे. मतलब हाल ही में सरकार ने कहा है कि खिलौने जो चाइना से आते थे उसको इंपोर्ट करना हम लगभग बंद कर रहे हैं. तो इस वजह से चन्नापटना टॉयज जो बनाने वाले थे उन लोगों ने सरकार के इस फैसले को कहा है कि ये बिल्कुल बढ़िया है. इसके अलावा आप देखोगे तो चन्नापटना टॉयज जो है वो पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ
वुडन टॉयज है जो कि मैन्युफैक्चर ही होता है, कर्नाटका राज्य से बिलोंग करता है, ये ध्यान रखिएगा। और इसको जीआई टैग भी दिया गया है बेसिकली वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के तहत। और साथ साथ आप देखोगे तो इसको मतलब इस टाउन को ही कहा जाता है गोम्बे गारा जो है उसको, चन्नापटना वाला। और ये 200 साल पुराना 18वीं सेंचुरी टीपू सुल्तान हैदर अली उन सब के समय से ये आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे वुड का इस्तेमाल किया जाता है जो कि आपको राइटिया लिंकटिंग टो या ट्री से देखने को मिलेगा। इसके अलावा टॉयज जो है वो लेस्ड होते हैं वेजिटेबल के डाइस से, और कलर जो है वो डिवॉइड है केमिकल्स वगैरह का, इसीलिए सेफ है बच्चों के लिए। मतलब इसमें किसी भी लेवल पे केमिकल्स का भी इस्तेमाल नहीं होता है और साथ साथ में वेजिटेबल डाइस का, तो नेचर फ्रेंडली है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम। तो इंडिया को डेजिग्नेट किया गया है कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न का ऑन द स्टेटस ऑफ रिलीजियस फ्रीडम, धर्म के नाम पे जो हमारे को स्वतंत्रता है उसमें यूएस कमीशन फॉर इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम ने एक पर्टिकुलर कंसर्न दिखाया है भारत के लिए। खैर अपने यहाँ के गन वायलेंस से उनको कंसर्न नहीं है लेकिन दूसरों में बहुत ज़्यादा टांग अड़ाते हैं। तो बेसिकली ये एक इंडिपेंडेंट बाई पार्टीसन यूएस फेडरल गवर्नमेंट का कमीशन है और इसको एस्टैब्लिश किया गया 1998 में, जब बेसिकली आपको इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम एक्ट का देखने को मिल जाएगा और इसका हेडक्वार्टर्स है वॉशिंगटन डीसी में। नेक्स्ट यहाँ पे आप देखोगे तो ये रिव्यू करते हैं फैक्ट और सर्कमस्टांसेस और पॉलिसी रिकमेंडेशंस देते हैं। इसके अलावा मॉनिटर करते हैं रिलीजियस फ्रीडम वायलेशंस ग्लोबली को और ये एक एनुअल रिपोर्ट भी बनाते हैं, ठीक है। कंपोजिशन में आप देखोगे तो इसमें 9 कमिश्नर्स होते हैं जिनको या तो प्रेसिडेंट या मतलब कांग्रेसनल जो लीडर्स हैं वो सब चुनते हैं पार्टी के। भारत का स्टैंड जो है तो इंडिया रिकॉग्नाइज नहीं करता है इसके व्यू को, ठीक है, क्योंकि भारत ने प्रीवियसली भी स्लैम किया इसके डिसीजन को कि ये मिस रिप्रेजेंटिंग है फैक्ट्स, और इंडिया ने डिस्क्राइब किया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न, मतलब वो भारत ने कहा कि वो खुद ही एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का कंसर्न है, वो हमको क्या बता रहे हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ आपको पता है कि इंडिया ऑलमोस्ट मतलब स्टिल ठीक है, नो वन इज परफेक्ट, लेकिन उसके अलावा आप देखोगे तो भारत बहुत ही सही तरीके से चीजों को लेकर के चल सकता है। नेक्स्ट आप देखोगे तो वर्ल्ड बैंक की बात कर लेते हैं, तो भारतीय ओरिजिन के अजय बांगा जो हैं वो कंफर्म करे जा चुके हैं कि नेक्स्ट प्रेसिडेंट हैं वर्ल्ड बैंक के। तो वर्ल्ड बैंक में 25 मेंबर की एग्जीक्यूटिव बोर्ड है, ठीक है। मास्टर कार्ड के सीईओ भी रह चुके थे अजय बांगा साहब, तस्वीर आपको दिखने को मिल रहा होगा। और ये एस्टैब्लिश किया गया है 1944 के ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस से, 1944 में ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस से वर्ल्ड बैंक आया है, डायरेक्ट सवाल बन सकता है। और इसमें आईबीआरडी जो इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट है और आईडीए इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, ये दोनों मिला करके आईबीआरडी और आईडीए मिला करके वर्ल्ड बैंक बनाते हैं। और इसके अलावा आपको देखने को मिल जाएगा कि इसमें 5 डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं। आईबीआरडी लोन वगैरह देता है, आईडीए लो या नो इंटरेस्ट लोन देता है लो इनकम कंट्री को, ठीक है, तो बेसिकली उसी से जुड़ा हुआ। आईएफसी इन्वेस्टमेंट का काम करते हैं। फिर आप देखोगे तो मीगा है, मीगा जो है वो पॉलिटिकल रिस्क के खिलाफ जैसे वॉर वगैरह तो उस पे देता है, और आईसीएसआईडी जो है वो इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स का सेटलमेंट करता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं तो बेसिकली यहाँ पे एक्सट्रीम पावर्टी को एंड करने की बात होती है 2030 तक, और ये प्रॉस्पेरिटी वगैरह बढ़ाता है 40% ऑफ द पॉपुलेशन वर्ल्ड वाइड, और प्रेसिडेंट और बाकी आपको एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स देखने को मिल जाएंगे। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडेज करंट अफेयर्स। वीडियो पसंद आए, थोड़ा लंबा हो सकता है कि रहा होगा, लेकिन काफी इन्फॉर्मेटिव, काफी क्रिस्प और 5 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने डिस्कस किए हैं। तो प्लीज इस हार्डवर्क के लिए, इस एफर्ट के लिए लाइक करिए, कमेंट करके भी जरूर बता सकते हैं और सब्सक्राइब करके रखिए, और बाकी आप मैक्सिमम लोगों तक शेयर करते रहिए ताकि हमारा जो व्यूज है वो बढ़ सके, आपका जो रिस्पॉन्स है वो मिल सके और आपका ये प्यार जो है वो बना रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।